T20 वर्ल्ड कप के बाद में जब से रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा ने संन्यास लिए हैं तब से टीम की कप्तानी अब शुभम गिल के हाथों में है और शुभम गिल को आगे आने वाली टीम के लिए कप्तान के रूप में देखा जा रहा है, जिसके लिए शुभम गिल को एक बार के लिए जिम्बाब्वे खिलाफ सीरीज में कप्तान बनाया गया है। लेकिन इन दिनों शुभम गिल के कप्तानी के रूप में कुछ फैसले बहुत ही गलत साबित हुए हैं। जिम्बाब्वे खिलाफ जहां पहला T20 मैच टीम इंडिया बहुत ही बुरी तरीके से हार गई, इसके बाद में अगला मैच टीम इंडिया ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जीता, जिसमें कि अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग में आके शतक जमाया और इसके साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 77 रन की बहुत ही धमाकेदार पारी खेली। लेकिन इसके बाद में कप्तान शुभम गिल को यह बात रास नहीं आई और शुभम गिल ने अगले मैच में धुआंधार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को ओपनिंग से हटाकर नंबर 3 में भेजना शुरू कर दिया। इसके साथ ऋतुराज गायकवाड़ को भी 3 नंबर से हटाकर 4 नंबर पर नीचे भेजना शुरू कर दिया। यह बात समझ से बहुत ही परे है कि जब खिलाड़ी ओपनिंग में आकर शतक मारता है उसके बावजूद उसकी पोजीशन को चेंज किया जाता है। इसके बाद यह बात यहीं खत्म नहीं हुई, इसके बाद भी शुभम गिल को देखा जा सकता है किस तरह से शुभम गिल अपने खिलाड़ियों से इज्जत करते हैं। जिम्बाब्वे और इंडिया का चौथा T20 मैच, टीम इंडिया ने 10 विकेट से अपना नाम तो कर लिया लेकिन इस मैच में भी शुभम गिल की एक शर्मनाक हरकत सामने आई। जहां शुभम गिल और जयसवाल ओपनिंग में बैटिंग कर रहे थे तो उसी समय शुभम गिल का 8 शतक पूरा हो गया और जयसवाल को शतक बनाने के लिए 17 रन की जरूरत थी और वही टीम को जीत के लिए 23 रन चाहिए थे। लेकिन शुभम गिल ने उसी समय एक छक्का मारकर टीम के स्कोर को कम कर दिया और जिसकी वजह से जैसे जयसवाल शतक से चूक गए। शुभम गिल को देखकर एक बार फिर से हार्दिक पांड्या की वही हरकतें याद आ गई जो कि हार्दिक पांड्या ने अपने कप्तान रूप में तिलक वर्मा के साथ किया था और हार्दिक पांड्या को अपनी उन्हीं हरकतों की वजह से 1 साल तक आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। लेकिन शुभम गिल ने अपने इन हरकतों के चलते आलोचना वाले काम किए हैं। हार्दिक पांड्या ने जहां टीम इंडिया के नाम वर्ल्ड कप करके अपने सारे पाप धो लिए, लेकिन एक बार फिर से शुभम गिल हार्दिक पांड्या जैसे काम कर रहे हैं जो कि एक अच्छे कप्तान की निशानी नहीं है। तो शुभम गिल को एक अच्छा कप्तान माना जा रहा था लेकिन शुभम गिल की ये हरकतें बहुत ही शर्मसार करने वाली हैं। तो आने वाले समय में शुभम गिल टीम इंडिया कप्तान बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।